तो ये वेट जो है वो तकरीबन ये 100 ग्राम है, कितना है? 1100। ये जी 1 किलो 100 ग्राम, ये 1100 ग्राम का हमारा चेक है माशाल्लाह। और इससे भी बड़े बड़े हैं अभी इंशाल्लाह, वो भी चेकिंग में आते जाएंगे, लेकिन अब इसे अंदाज़ा कर लें कि इसको मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डे 22। आज 22वां दिन मुकम्मल हुआ 12 बजे के बाद, और फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकले आज, हमने इनकी वेट चेकिंग की है कि एवरेज वेट क्या निकल रहा है, एग्जैक्ट क्या निकल रहा है, जो बड़े चिक्स हैं उनका क्या वेट निकल रहा है, जो अर्ली 3 दिन पहले चिक्स आए थे उनका क्या वेट निकला है, जो 3 दिन बाद चिक्स आए थे उनका क्या रेट निकला है। तो एक मीन वैल्यू निकाली गई है, वो मीन वैल्यू क्या निकली है आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं डे 22, 22वें दिन का आगाज़। अब तो आज हम देखेंगे कि हमारा रियल टाइम में कितना वेट हो चुका है चिक्स का माशाल्लाह। मैं वैसे ज़ुबानी तो बताता रहता हूँ लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये इक्वल हो गया, रखें जी वेट रखें, ये 500 ग्राम के दो, और इस साइड पर हम चिक रखेंगे अपना। तो ये वेट जो है वो तकरीबन ये 100 ग्राम है, कितना है? 1100। ये जी 1 किलो 100 ग्राम, ये 1100 ग्राम का हमारा चेक है माशाल्लाह। और इससे भी बड़े बड़े हैं अभी इंशाल्लाह, वो भी चेकिंग में आते जाएंगे, लेकिन अब इसे अंदाज़ा कर लें कि इसको मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। ये इसका साइज़ है, और माशाल्लाह ये डे 22 में 1 किलो का वज़न इसका 1100 ग्राम का वज़न हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल बराबर पर है। तो ये है जी माशाल्लाह मेहनत, अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, और माशाल्लाह हमारी एफर्ट जो है, हमारी मेहनत जो है अल्लाह ताला ने 22 दिनों में। ये माशाल्लाह हम दोबारा वेट करने जा रहे हैं, ये चिक रखा है, ये 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, और ये 100 ग्राम से ये 100 ग्राम का, ये आप देख सकते हैं 1100 ग्राम का, ये भी माशाल्लाह है, ठीक है। और ये माशाल्लाह देखें जी, ये भी तकरीबन ये 100 ग्राम उठा लें इसमें से, ये 900 ग्राम का है तकरीबन, 950 का, इधर रखें ज़रा। हाँ हाँ, ये तकरीबन जो है ना 850-950 ग्राम का है। अब अगर आप यहाँ से ये उठा लें ना, ये हो जाए ठीक माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है जी। एवरेज जो वेट का वज़न निकल रहा है 1 kg है, क्योंकि 2 1100 ग्राम के हैं और वो 950 ग्राम का, तो तकरीबन। कैसे लगे रिजल्ट आपको? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ माशाल्लाह, यानी कि बड़ा ही क्लासिक रिजल्ट है ये। 21वां दिन मुकम्मल होने के बाद, यानी ये अर्ली मॉर्निंग की हमने इसका वेट कैलकुलेट किया था, बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, मोर्टैलिटी ख़त्म हो चुकी है, कोई मोर्टैलिटी नहीं आ रही, और माशाल्लाह चिक जो है ना फीड भी अच्छी खा रहे हैं, और हमको फीड देने की कोशिश भी पूरी कर रहे हैं कि मुसलसल फीड दें। जैसे मैंने बताया कि उसका टाइम शेड्यूल बनाते हैं कि आपको कब कब फीड देनी है, दोपहर के वक्त अमूमन फीड नहीं दी जाती। तो मैं आइए हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ, मैं आपको चिक्स की लोकेशन और सारी चीज़ें समझाता हूँ कि हमने क्या चेंजेस की है, क्या रिक्वायर्ड है, वेट किस तरह गेन हुआ, और हमें अब क्या आगे स्टेप लेना है या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि वेट जो है वो स्पीड से गेन हो और मोर्टैलिटी ना हो। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मोर्टैलिटी कंट्रोल की है वो इसी तरह की है कि हमने पूरी एफर्ट की है, पूरी चीज़ों को, सारे सेटअप को अरेंज ऐसे किया है, प्रिकॉशंस ऐसे दिए हैं कि मोर्टैलिटी उसमें ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चिक्स की क्या कंडीशन है। ये देखिए जी माशाल्लाह, जैसे ये देखिए, ये पॉट्स रखे हुए, कितने पॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पॉट, ये 9 पॉट्स हैं। इनका पानी बिल्कुल ओके है, फ्रेश पानी है, मेडिसिन यूज़ करें, कल हमने ग्लूकोज दिया था। सेकंड का बॉटम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, आज भी जो नमी नमी महसूस हो रही है, शायद पानी की जो बोतल गिरी थी उसकी वजह से भी हो गया होगा। तो थर्ड हमने लाइट पूरी की हुई है जी, बिल्कुल थर्ड लाइट पूरी की हुई है, ये देखें। फोर्थ इनकी फीड पूरी है जी, बिल्कुल फीड पूरी है, ये देखिए जी। इस गार्डर में हमने अभी कम डाली है फीड, इसको दोबारा करेंगे क्योंकि इनको थोड़ा वक्फा भी दे रहे हैं हम, जैसे हमने डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप इनको फीड करवा रहे हैं रेगुलरली तो आप इनमें थोड़ा वक्फा, तो हमने इसको कम फीड डाली है, अभी हम जाते हुए इसको रीफिल करके जाएंगे ताकि सुबह तक ये चल जाए, सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक तकरीबन जो है। इसी तरह ये ट्रे है, सारी ट्रे फिल है, ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह चिक्स कितने प्यारे लग रहे हैं, कुछ ने खा लिया, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ रेस्ट पर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैंने पहले भी शेयर की थी पर्सनली, ये जो स्ट्रिप है ना, ये वाली जो स्ट्रिप है,
ये ज़रूर लगवाएं। अगर आपका नया सिस्टम है तो ये ज़रूर लगवाएं, इससे चिक्स जो है वो अंदर नहीं जाते और फीड को ज़ाया नहीं करते। कैसे ज़ाया नहीं करते, अब अगर आप देखें तो चिक्स जो है ऊपर बैठे होते हैं, ये देखें जैसे यहाँ गार्डन में बैठे हुए हैं, ये अलग ये बड़ा सोर्स है इनका, यहाँ से बड़े मज़े से खा लेते हैं, लेकिन ये फीड करने के बाद यहीं बैठे रहते हैं, ये देखें आप। तो आपने वीडियो देखी, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो बहुत सारे लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें। बहुत ज़बरदस्त फार्मिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जेन्युइन नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकें। और इसी सिलसिले में इतना लंबा एक्सटेंसिव सिस्टम बनाया गया कि रोज़ की एपिसोड, हर डे की रिकॉर्डिंग की गई है। चिक्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं, क्या सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पास ऑन करें, ताकि अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनको किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है और वो किन किन प्राहिल से गुजर कर जो है ना वो 40 डेज या 30 डेज कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ आज एवरेज शेयर की है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है कि हमने इसको 20 दिन यानी हाफ डेज में 1 kg तक या 1100 ग्राम 1200 ग्राम तक का वजन वेट गेन कर लिया है। ऑब्वियसली कंट्रोल शेड नहीं, अगर कंट्रोल शेड होता तो इससे ज़्यादा एवरेज आती, तो ये घर में उतनी फीड भी नहीं ले पा रहे, टेम्परेचर कंट्रोल करना होता, सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो हमें दीजिए जी इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए, इंशाल्लाह डे 23 में नई स्ट्रेटजी के साथ, नई चेंजेस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।